फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات بھیج محمد وعلى محمد شب جمعہ کی مجالس اور ان شب جمعہ کی مجالس میں بیان پیغمبر ختمی مرتبت کے اخلاق کا ہو رہا تھا کہ پیغمبر کا اخلاق کیا تھا، پیغمبر کے اخلاق سے متعلق جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں اسی سے آگے کچھ اور پیغمبر کی زندگی کے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جس وقت آپ دعا فرماتے تھے تو اس کی تین مرتبہ تکرار کرتے تھے۔ رسول اللہ جب کسی چیز کے لیے دعا کرتے تھے تو اس کے لیے تین مرتبہ تکرار فرمایا کرتے تھے۔ مثلا معبود اس امر کو آسان فرما، اس امر کو آسان فرما، اس امر کو آسان فرما، اس مشکل کو دور فرما، اس مشکل کو دور فرما، اس مشکل کو دور فرما، تین مرتبہ تکرار فرماتے تھے پیغمبر جب بھی دعا کرتے تھے کسی چیز کے لیے، تین مرتبہ تکرار کرتے تھے۔ لیکن جب گفتگو کرتے تھے تو اپنے کلام میں تکرار نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر کے کلام میں جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ اب بیٹھے ایک ہی بات بار بار کہے چلے جا رہے ہیں، پیغمبر کبھی گفتگو میں تکرار نہیں کرتے تھے، ریپیٹیشن نہیں ہوتا تھا پیغمبر کے کلام میں، پیغمبر ریپیٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک بات کہہ دی کہہ دی، اب اس کے بعد پھر وہی لفظ، پھر وہی۔ تو عام طور سے چاہے بیٹھک میں یا خود جب کلام کرتے تھے تو پیغمبر اپنے کلام میں تکرار نہیں کرتے تھے، اور اگر گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کیا کرتے تھے، دوسرے کے نہیں، اپنے گھر میں۔ دوسرے کے گھر میں تو ہر انسان اجازت لیتا ہے، اپنے گھر میں جب داخل ہوتے تھے، اور اسلامی طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ اپنے بھی دروازے پہ جاؤ تو ایسے ہی نہ چلے جاؤ اندر،
कम से कम कोई एक आवाज, कलाम, सलाम हो सकता है कि कोई पड़ोस से आया हो, कोई बाहर से आया हो, कोई मेहमान हो, या कोई हमारे साथ कोई ऐसा हो कि जो शायद उस मुनासिब ना हो वहाँ के ऊपर। इसी वजह से जिस तरीके से आपने देखा होगा ईरान वगैरह में दस्तूर है कि अगर अपने भी घर में जाएंगे तो या अल्लाह, तो दरवाजे के ऊपर आके या अल्लाह कहेंगे। चाहे अपने भी घर में जा रहे हैं तो अपने घर में आए, जैसे ही दाखिल हुए या अल्लाह, तो अब या अल्लाह का मतलब ये होता है कि मैं आ गया हूँ। देखो घर में कोई है तो नहीं ऐसा कि जिसकी वजह से पर्दा हो। तो पैगंबर जब घर में दाखिल होते थे तो इजाज़त तलब करते थे, और इजाज़त भी आप तीन मरतबा लेते थे। अब अगर कोई जवाब नहीं आता था तो बस तशरीफ़ ले जाते थे। आपकी बातें बहुत ही वाज़े होती थी, बिल्कुल साफ साफ कलाम होता था पैगंबर का। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो समझ में ना आने वाली बात हो, या बहुत ही ज़्यादा दकीक हो, बहुत ज़्यादा अदक हो और लोगों की समझ से बाहर हो। पैगंबर बिल्कुल एक आसान सी गुफ्तगू फरमाया करते थे कि जो एक आम फहम गुफ्तगू होती थी, वाज़े होती थी, बिल्कुल साफ होती थी, बिल्कुल आश्कार होती थी, कि हर सुनने वाला समझ जाता था कि आपका मकसद क्या है। हर सुनने वाला समझ जाता था कि आप कहना क्या चाहते हैं। जिस वक्त आप महवे गुफ्तगू होते थे तो नूर की तरीके से कोई शय सामने के दोनों दांतों के दरमियान से फूट के निकलती थी। जब आप कलाम करते थे, जब आप बात करते थे, तो नूर जैसी कोई शय आपके इन दोनों दांतों के दरमियान से जैसे एक किरण सी जैसे कि निकल फूट रही हो, जैसे किरण सी निकल रही हो इन दोनों दांतों के दरमियान से, एक नूर जैसा एक फूटता था आपके। और उस वक्त अगर आपको कोई देखता तो यही कहता कि आपके इन दोनों दांतों में खासा फासला पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर कोई देखता तो कहता कि शायद ये अलग अलग हैं दांत, इनके दरमियान से क्या चीज़ निकल रही है। जबकि अगर आप वैसे आप देखते पैगंबर को तो पैगंबर के दांत बिल्कुल एक दूसरे जैसे मिले होते हैं, उनमें फासला नहीं था, दांत मिले हुए थे। निहायत ही खूबसूरत दहाना था पैगंबर का, निहायत ही खूबसूरत चेहरा था पैगंबर का, निहायत ही खूबसूरत नाक नक्शा था पैगंबर का। और आप हमेशा कभी भी पूरी आंखों से ऐसे नहीं देखते थे, हमेशा गोशे चश्म से देखते थे। अगर देखना है तो जैसे ये अब ऊपर से देख लिया ऐसे, अब ये पूरी आंखें फाड़ के नहीं देखते थे पैगंबर, बल्कि गोशे चश्म से आप देखते थे। इधर देखना है अब इधर ऐसे देख लिया, आपने को इधर देखना है इधर आप मुखातब हो गए, सामने देखना है तो ऐसे ऐसे नहीं देखते थे पैगंबर, बिल्कुल आंखें फाड़ के इस तरीके से नहीं देखते थे। ये अखलाक में है, ये पैगंबर के सीरत में मिला कि पैगंबर दोनों आंखें जब भी देखते थे तो आंखों के साइड से देखते थे, गोशे चश्म से देखा करते थे। कभी किसी से कोई बात ऐसी ना कहते जो उसे नागवार गुजरती, किसी से भी कोई बात ऐसी नहीं करते थे कि जो उसके लिए तकलीफ का सबब हो या नागवार गुजरे उसको। बल्कि पैगंबर की जो बात करता था पैगंबर से, तो उसको पैगंबर की बात सुन के थोड़ा इत्मीनान होता था, तसल्ली होती थी, तशफ़ी होती थी, इत्मीनान होता था। और जब रास्ता चलते तो ऐसा लगता था कि जैसे पहाड़ से नीचे उतर रहे हों। कभी आप बुलंदी के ऊपर गए हैं किसी पहाड़ी वाड़ी के ऊपर, जब जाइए तो चढ़ने का अंदाज़ा और होता है, जब उतरने लगिए तो कैसा तरीका होता है। पैगंबर रास्ता ऐसे चलते थे जैसे लग रहा है कि बाहर से उतर रहे हैं, नज़रों को झुकाए हुए, सर को थोड़ा सा नीचे किए हुए और अपने रास्ते को देखते हुए इस तरीके से चलते थे। पैगंबर ऐसे ऐसे नहीं चलते थे जैसे आमतौर से मालूम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, जो आमतौर से हम लोगों का तरीका होता है। पैगंबर ऐसे रास्ता नहीं चलते थे, पैगंबर जब रास्ता चलते थे नज़रों को नीचा करते थे, सर को थोड़ा सा झुका लेते थे, और इस तरीके से आप पैगंबर
रास्ता चलते थे, जैसे पहाड़ से नीचे उतर रहे हो इस तरीके से। आप फरमाया करते थे कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज्यादा बाअखलाक है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है कि जो सबसे ज्यादा बाअखलाक है। कभी किसी चीज के जायके में बुराई नहीं निकालते थे। आम तौर से कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्चा ज्यादा हो जाता है, कभी फीका रह गया, कभी मीठा हो गया। पैगंबर जो भी है, शुक्र खुदा, कभी भी बुराई नहीं करते थे खाने की, और न कभी कोई बुराई निकालते थे खान किसी चीज में। अगर पैगंबर के सामने कोई चीज है अपना ठीक है, उसमें कोई नक्स या ऐब या बुराई पैगंबर नहीं निकालते थे उसमें किसी, कभी भी, और ना ही उसकी बेजा तारीफ करना शुरू कर देते थे। आमतौर से होता, कभी कभी कोई चीज अच्छी नहीं भी होती है और हम लोग चापलूसी में तारीफ करना शुरू कर देते, अरे सुभान अल्लाह, अरे माशाल्लाह, क्या कहना, आपने तो कमाली कर दिया आज, तो मालूम हुआ कि इतनी तारीफ के लायक ही नहीं थे जितनी तारीफ हम कर रहे हैं। तो कभी कभी बेजा तारीफ हो जाती है, और कहीं कहीं के ऊपर तारीफ करने जैसी होती है, हम तारीफ करते ही नहीं है, बैठे रह जाते हैं। कोई चीज होती तारीफ करने की सामने से, उसमें हम तारीफ नहीं करते। पैगंबर जो चीज जहां के ऊपर होती थी, अगर वाकई कोई तारीफ करने के लायक बात है, तारीफ करने के लायक चीज है, कोई आया है सामने, उसकी तारीफ करते थे, शाबाश, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अगर नहीं है तो खामोश रहते थे। अनक्स और ऐब पैगंबर किसी चीज में नहीं निकालते थे। अहले इल्म और साहेबान हदीस आपके हुजूर झगड़ा नहीं करते थे। आम तौर से होता है कि थोड़ा मालूम हुआ कि जरा सा पढ़ लिख गए तो आपस में बहस शुरू कर दी, मुबाहसा शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करीब में आके, कि हम पैगंबर को पता चले कि नहीं हम भी पढ़े लिखे हैं। पैगंबर का ऐसा रोब था, पैगंबर की ऐसी शान शौकत थी कि पैगंबर के करीब आने के बाद कोई भी कितना ही बड़ा हो, उसकी पैगंबर से मुबाहसा या झगड़ा करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जिस दानिश्वर को भी आपकी जियारत का शरफ हासिल हुआ, दानिश्वर यानी किसी विद्वान को, पढ़े लिखे को, किसी भी विद्वान को, किसी भी पढ़े लिखे को, किसी भी दानिश्वर को अगर आपसे मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, तो वो पूरी जिंदगी पैगंबर का कसीदा पढ़ता रहा कि ना तो हमने इससे पहले ऐसा बाअखलाक देखा, ना उसके बाद हमारी मुलाकात किसी ऐसे बाअखलाक से हुई। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना हमने पहले कभी ऐसी शख्सियत देखी, ऐसी बाकमाल और ऐसी बाशरफ और ऐसी तहजीब वाली और ऐसी अखलाक वाली शख्सियत, और ना इसके बाद हमें कभी किसी से ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ। बाहर की जो पैगंबर की जिंदगी थी, उस सिलसिले में इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा से, रसूलुल्लाह से, घर के बाहर की जिंदगी के बारे में सवाल किया, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन जहां रसूलुल्लाह घर के बाहर गए हैं, अमीरुल मोमिनीन साथ रहे हैं, यहां तक कि गारे हिरा वहां भी साथ रहते थे, हर जंग में साथ, हर बज़्म में साथ इमाम हसन इमाम हुसैन घर में रहते थे। तो घर की जिंदगी इमाम हसन इमाम हुसैन से पूछ लो कैसी थी, जनाब फातिमा से पूछ लो कैसी थी, लेकिन बाहर की जिंदगी कैसी थी ये अली बताएंगे। इमाम हुसैन ने बाबा से पूछा, बाबा नाना की बाहर घर में तो माशाल्लाह इतना अच्छा अखलाक है, इतना अच्छा किरदार है और इतनी अच्छी जिंदगी है कि जो भी आता है मुतासिर होता है, सर आप बाहर की जिंदगी के बारे में बताइए मेरे नाना की। तो जिस वक्त इमाम हुसैन ने सवाल किया है घर से बाहर की जिंदगी के बारे में, तो आपने फरमाया कि रसूल अकरम अपनी जबान गैर जरूरी बातों के लिए कभी नहीं खोलते थे। आमतौर से होता नहीं, बोलना है चाहे जो बोले, वह बोले चले जा रहे हैं, रसूलुल्लाह कभी भी गैर जरूरी बातों के लिए अपनी जबान नहीं खोलते थे। हाँ, बस जो जरूरी है
इनको बताना है, यहाँ मसला बयान करना है, यह हदीस बयान करनी है, यह आयत बयान करनी है, इन्होंने कुछ सवाल किया है, इन्होंने कुछ कलाम किया है, कुछ ज़रूरी बात है, कुछ ज़रूरी तस्करा है, कुछ ज़रूरी खबर है, कुछ मालूम करना है, किसी को कुछ बताना है, ठीक बता दिया, बाकी बस ज़बान चले ही जा रही, चाहे जो बस ज़बान चलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब ज़बान हमने ठान ही लिया कि नहीं ज़बान चलना ही चाहिए तो सही गलत सब कुछ चलेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि नहीं चले, लेकिन ज़रा सोच समझ के चले, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, कहीं तोहमत तो नहीं, कहीं इल्ज़ाम तो नहीं, किसी की गीबत तो नहीं, किसी के ऊपर किसी के मुतालिब हसद से मुतालिब तो कोई बात नहीं है, कीना और अदावत वाली तो कोई गुफ्तगू नहीं है। तो पैगंबर अपनी ज़बान गैर ज़रूरी बातों के लिए नहीं खोलते थे, जो ज़रूरी बात होती थी पैगंबर बस उतनी बात करते थे। अवाम से आपको बड़ी उनसियत थी, अवाम से बहुत उनसियत थी पैगंबर को। जो भी पैगंबर के करीब आता था, कुछ पूछता था, मालूम करता था, पैगंबर खुद भी एक दूसरे के मुतालिक मालूम किया करते थे। आज नमाज में वो फला भाई नहीं दिखाई दिए, वो आते थे, आज वो हमारा सहाबी दो तीन दिन से नहीं नजर आ रहा है, वो कहाँ गया, वो आज हमारा पड़ोसी कई दिन से नहीं दिखाई दिया, यहाँ के ऊपर रहता था, वो आज दिख नहीं रहा। पैगंबर सवाल किया करते थे, और ये तरीका है, ये खुद पैगंबर के अखलाक में से है कि खुद समाज के जमात के अफराद की खबरगीरी, उनके हालात से वाकिफ होना, उनके हालात की खबर रखना। हम तो खाली बस बुराइयों की खबर रखते हैं कि आज कोई बस न्यू खबर आ जाए, कोई लेटेस्ट खबर आ जाए ऐसी कि जो जिसको बस हमें मौका मिल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार कर सकें। लेकिन अगर कोई अच्छी खबर आई है तो उसकी कोशिश होती कि उसको दबा दिया जाए और वो आम ना होने पाए। खुद जुमे में भी आपकी खिदमत जो हदीस बयान हुई थी 11वें इमाम की, उसमें इमाम ने यही फरमाया था कि बदतरीन पड़ोसी वो है, बदतरीन पड़ोसी वो है कि जो अच्छाइयों को छुपा देता है और बुराइयों को आम कर देता है, बदतरीन पड़ोसी है। पड़ोस में रह रहा है, उसको अच्छाइयां नहीं दिखती है कि हाँ पड़ोस में है तो इतनी है, इसका कोई अच्छा काम भी अच्छी बात वो नहीं देखती, वो नहीं आम करता है। अगर कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा उसके घर के अंदर हो गया या कुछ ऐसा कुछ गलत हो गया, उसको जो है वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देता है। पैगंबर अवाम से बड़ी उनसियत रखते थे और उन्हें अपने से जुदा नहीं फरमाते थे। बुजुर्ग के कबीला का एहतराम करते थे, जो कबीले का बुजुर्ग होता था, वडील, मुखिया, पैगंबर उसका एहतराम करते थे कि नहीं ये कबीले का बुजुर्ग है, ये खानदान के बुजुर्ग हैं, बहरहाल इनकी बात में असर है, इनकी बात मानी जाती है, उसको अपने से करीब बुलाते थे। उसके जरिए से पैगंबर अपना पैगाम कबीले वालों तक पहुंचाते थे। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है, यही है पैगंबर का अखलाक, यही है पैगंबर का किरदार, और मुतालिका कौमी उमूर की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द करते थे। वो जो बुजुर्ग खानदान होता था तो अगर उस खानदान से मुतालिक, उस महल्ले से मुतालिक कोई जिम्मेदारी देना होती थी तो आप उसी बुजुर्ग के हवाले करते थे, उसको बुलाते थे कि देखो यार तुम्हारे महल्ले में या तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे यहाँ खानदान में, तुम्हारे कबीले में जरा सा ये बात, ये काम जरा सा करवाना है, तो आप वो काम उसके हवाले करते थे, वो बात उसके हवाले करते थे। हमेशा खुद को लिए दिए रहते थे। जाहिर ये भी एक बहुत खास चीज है कि इंसान अपनी इज्जत से और अपने मकाम से गिर ना जाए। कभी कभी हम खुद अपने गिर जाते हैं अपने मकाम से, कि जो हमारी हैसियत है और हमारा जो मकाम, उससे हम नीचे चले जाते हैं और अपनी इज्जत खुद ही हम गंवा देते हैं। पैगंबर अपने को लिए दिए रहते थे, कहाँ पे बात करना है, कहाँ बात नहीं करना है, कहाँ पे कलाम करना है, कहाँ कलाम नहीं करना है, कहाँ खामोशी से निकल जाना है, कहाँ रुकना है, पैगंबर जानते थे। और हर आकिल इस चीज़ को समझता है कि हाँ कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, कहाँ कलाम करना है, कहाँ कलाम नहीं करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और अवाम से अलग थलग रखते, लेकिन उसके साथ ही अपने चेहरे
बुशरे और अखलाक से खुद को उनसे जुदा भी महसूस नहीं होने देते थे। ये बहुत अहम चीज है। अवाम से अपने को अलग भी रखते थे, लेकिन जो मिलने मिलाने का अंदाज था और आपके चेहरे की बशाशत और जो मुस्कुराहट थी, उससे कोई ये भी महसूस नहीं कर सकता था कि आप अलग हैं। बल्कि हर इंसान से ऐसे मिलते थे जैसे लगता था कि समाज ही की फर्द है, जबकि समाज से अपने को अलग रखते थे। अलग रखने का मतलब क्या, यानी हर काम जो आम लोग कर लेते हैं पैगंबर वो नहीं करते थे, बल्कि पैगंबर देखते थे कि क्या बात करने जैसी है, क्या नहीं करने जैसी है, क्या काम करने जैसा है, क्या नहीं करने जैसा है। असहाब की फिक्र और उनके हालात की जस्तजू रखते थे और लोगों से दूसरों का हाल दरियाफ्त फरमाया करते थे। अगर कोई किसी से मुलाकात हुई, उसका कोई अजीज है, पैगंबर का साहबी है, पैगंबर का चाहने वाला है, पैगंबर का मानने वाला, उससे पूछते थे, अरे भाई फला भाई ठीक है, फला भाई खैरियत से हैं, उससे हालचाल लिया करते थे, जस्तजू में रहते थे और लोगों से दूसरों का हाल दरियाफ्त फरमाते रहते थे, उनके हर अच्छे अमल की तारीफ और हिम्मत अफजाई करते थे। जब भी किसी कोई अच्छा कोई काम करता था, अच्छी बात करता था, उसको हौसला बढ़ाते थे पैगंबर, उसका हौसला तोड़ते नहीं थे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई समाज में ऐसा तालिबे इल्म है, कोई रोज़गार कारोबार के लिहाज से है, कोई और किसी लाइन में अगर आगे बढ़ रहा है और हमारे मजहब और समाज और जमात का नाम रोशन कर रहा है, तो हमें चाहिए कि उसका हम हौसला बढ़ाएं। कोई तालिबे इल्म है, उस तालिब चाहे वो दीनी लिहाज से हो या दुनियावी लिहाज से हो, फर्ज बनता है कि उसका हौसला बढ़ाया जाए ताकि उसके कदम पीछे ना हटने पाए, उसके कदम और आगे बढ़ें और ये आगे बढ़े और तरक्की करे। हर गलत काम पर सरजनिश और बासपुरस रखते थे। हर जो भी गलत बात होती थी, जो भी गलत काम होता था, पैगंबर उसके मुतालिक पूछते थे, उसके मुतालिक सरजनिश करते थे, ये आज बात क्यों हुई, ये काम क्यों हो रहा है, ये समाज में खराबी क्यों आम हो रही है, क्या हराम नहीं है ये, क्या अल्लाह ने मना नहीं किया है। जो भी इस किस्म की खराबियां बुराइयां होती थी उसके मुतालिक बासपूस फरमाते थे। और हर अम्र में एतदाल और मियाना रवि, ना बहुत ज्यादा शिद्दत, ना बिल्कुल एकदम नरमी, बल्कि एक दरमियानी रास्ता पैगंबर का रहता था। तमाम उमूर में, तमाम चीजों में एतदाल, एक दरमियानी रास्ता पैगंबर इख्तियार करते थे। इफरात और तफरीत कभी नहीं, किसी भी काम में नहीं, ना बहुत एकदम मालूम है कि किया तो अगर बढ़ ही चले जा रहे हैं और नहीं किया तो बिल्कुल ही एकदम नहीं, नहीं इफरात और तफरीत नहीं, बल्कि हर बात आप एतदाल में करते थे, हर काम पैगंबर का एतदाल में होता था और कभी तफरीत से काम नहीं लेते थे। मुसलमानों की बेतवज्जोही और गफलत और बेराह रवि से कभी गाफिल नहीं होते थे। अगर कोई मुसलमान किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई बेराह रवि का शिकार हो रहा है मदीने में, मक्के में, ताइफ में, यहां वहां, पैगंबर को पता चलता था, पैगंबर फौरन मिंबर पे आते थे और आने के बाद ये क्या हो रहा है, ये मैंने सुना है कि ताइफ में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने सुना है कि मक्के में इस तरीके के अफराद पैदा हो गए हैं, ये मदीने में रहते हुए पुरानी आयतें सुन के भी तुम लोग अमल नहीं कर रहे हो, पैगंबर आके उनको तंबीह करते थे। बेराहरवी से कभी गाफिल ना होते, हक के सिलसिले में कभी कोताही नहीं और हद से तजावुज भी नहीं, और अपने साथियों के दरमियान उसी शख्स को बेहतर और निगाह इंतखाब का मुस्तहिक करार देते जो उनमें सबसे ज्यादा फजीलत और मुसलमानों का ज्यादा खैरख्वाह होता था। पैगंबर फजीलत किसे देते थे, जो इस्लाम का, दीन का, मुसलमानों का ज्यादा खैरख्वाह होता था, ज्यादा उनकी भलाई चाहने वाला होता था, उसको पैगंबर ज्यादा एहतराम देते थे कि ये मुसलमानों का, ये मुसलमानों की भलाई चाहता है, ये मोमिनों की भलाई चाहता है, ये दीन और इस्लाम की भलाई चाहता है,
उसको पैगंबर खास इज्जत देते थे, चुनांचे आपके नज़दीक उसी का मकाम और मर्तबा ज्यादा अजीम था जो मुसलमानों का ज्यादा पुश्त पनाह और मददगार होता और मुवासात से काम लेता था, हमदर्दी से काम लेता था। पैगंबर की खिदमत में या आता और पैगंबर से रुख्सत होकर जब समाज में जाता था, जो समाज के हालात होते थे, जाके अपने लिहाज से अगर जो मुश्किलात हल होती थी उनको हल करता था, पैगंबर को खबर होती थी, पैगंबर का एहतराम करते थे, उसका इस्तकबाल करते थे, शाबाश आज तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया, आज उस बेवा के घर गए तुम, तुमने बहुत अच्छा किया, आज उस यतीम के तुमने सर पे हाथ रखा, बहुत अच्छा किया, शाबाश। पैगंबर उसका एहतराम करते थे। और यही कुरानी तालीम भी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। देखो तुम्हारे अल्लाह के नज़दीक ना तो दौलत, ना सरवत, ना इख्तदार, ना हुकूमत, बल्कि अल्लाह के नज़दीक साहिबे, अल्लाह के नज़दीक बुजुर्गी के लायक वो है कि जिसके अंदर तकवा पाया जाता है, जिसके अंदर अल्लाह का डर पाया जाता है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह का डर होगा, तकवा होगा, तो यकीनन जहाँ इंसान एक तरफ खालिक से राबिता मजबूत रखेगा, वहीं मखलूक से राबिता तोड़ नहीं लेगा। जिसकी बेहतरीन मिसाल आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम है। आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम की सारी कुर्बानियाँ किस लिए थी? यकीनन सही है कि खालिक के लिए थी, लेकिन भलाई में किसकी थी? भलाई में इंसानियत की थी, भलाई में मुसलमानों की थी। खुद इमाम हुसैन अगर मदीने में बैठे रहते तो कौन सा नुकसान था? वलीद ने बाकायदा सामने से पैगाम भिजवाया था कि आप आराम से मदीने में रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और जो कहिए हम हाजिर करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं आराम से आसाइश से रहिए। लेकिन इमाम हुसैन को वो आराम और आसाइश वाली जिंदगी पसंद नहीं थी कि जिस जिंदगी में खुद तो आराम और आसाइश में रहे और आवाम बहक रही हो, आवाम मुनहरिफ हो रही हो, दीन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। लिहाजा इमाम को यह पसंद नहीं था, और इमाम इसीलिए मदीने से निकले। किसके भलाई के लिए? मुसलमानों की भलाई के लिए, कि ये मुनहरिफ ना होने पाए, ये बहकने ना पाए, ये गुमराह ना होने पाए, इस्लाम को इज्जत मिले, मुसलमान को इज्जत मिले। और यही वो इमाम हुसैन का अज़्म और इरादा और हौसला था कि जिसके तहत इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए थे। और करबला के मैदान में भी इमाम आली मकाम ने हकीकत में जो सारी कुर्बानियां दी हैं, ये सारी कुर्बानियां किस लिए थी? सही है कि आपकी नियत लिल्लाह फिल्लाह फी सबीलिल्लाह थी, लेकिन भलाई किसकी चाह रहे थे? उम्मत की। उम्मत की भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस उम्मत को जन्नत मिल जाए, इस उम्मत को सीधा रास्ता मिल जाए, ये उम्मत बहकने ना पाए, ये उम्मत जहन्नम में जाने पाए, अगर इसके लिए हबीब दुनिया से रुखसत होते हैं तो हो जाएं, इसके लिए अगर औना मोहम्मद दुनिया से जाते हैं चले जाएं, इसके लिए अगर कासिम का लाशा पामाल होता है तो हो जाए, इसके लिए अली अकबर के सीने में बर्ची का फल लगता है लग जाए, इसके लिए मेरे अब्बास के शाने कलम होते हैं तो हो जाए, इसके लिए मेरे अली असगर के गले पे तीर लगता है तो लग जाए, लेकिन मेरी उम्मत बहकने ना पाए, मेरी उम्मत जहन्नम में न जाने पाए। और अजीजो यही नहीं बल्कि खुद अपनी जान का नजराना भी इमाम ने पेश कर दिया। और कैसे अपनी जान का नजराना पेश किया? कि हकीकत में जिस वक्त रुख्सत आखिर के बाद इमाम मैदान करबला में आए हैं, तो आलम यह था कि जिस वक्त हमला किया है तो फौजें भाग रही थी, फौजों से अलमान अलफीज की सदाएं बुलंद थी, इमाम हमला करते जाते थे और आवाज देते जाते थे, मलूनों कहां भागे जा रहे हो? तुमने मेरे अब्बास के शाने कलम कर दिए। मलूनों कहां भागे जा रहे हो? तुमने मेरे अकबर के सीने पे बर्छी मार दी। मलूनों कहां भागे जा रहे हो? तुमने मेरे कासिम का लाशा पामाल कर दिया। मलूनों कहां भागे जा रहे हो? तुमने मेरे अली असगर के गले पे तीर मार दिया। आजादारों इसी दरमियान आवाज आई, हुसैन बस शुजात के जौहर दिखा चुके, अरे जरा सब्र का मुजाहरा करो। इस आवाज का आना था कि इमाम ने तलवार को रख लिया, तलवार का रखना था कि फौजें सिमटने लगी, हुसैन घोड़े पर डगमगाने लगे, घोड़े की बुलंदी से जमीन पर आए, दारोशिम आगे बढ़ा, और अब जो तलवार चली जमीन कांपने लगी, आसमान हिलने लगा, फिजा में आवाज गूंजी, अला कुतिल हुसैन बिकरबला।
अला ज़ुबिहल हुसैनु बिकर्बला अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयालमु अल्लज़ीना ज़लमु अय्यमन क़लबियन क़लबून بحق الزهراء وابيها وبعالها وبنيها بار الہ شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے مالک ہم سب کو معاف فرما ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وتقبل منا انک انت السمیع العلیم